आप लोग को ध्यान होगा पिछले 29 तारीख का एक घटनाक्रम हुआ था, उसमें वजंगल के एक जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका एक साथ एक घटनाक्रम हुआ था। उसी घटनाक्रम के संदर्भ में जो हमारा एक सुपरविजन होता है, उस सुपरविजन के संदर्भ में आए हैं। अभी तक उस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ है, क्या तथ्य सामने आए हैं, उसका परीक्षण किया है। सभी बीच जो विवेचना अधिकारी थाना प्रभारी हैं उनसे बात की है, नगर पुलिस अधीक्षक से बात की है, और सभी साक्ष्य का विश्लेषण करने के उपरांत जो आरोपीगण हैं उनकी क्या गिरफ्तारी की क्या परिस्थिति है, इस पर चर्चा की जा रही है। सर, कल कुछ लोगों ने सर कुछ हुड़दंग मचाने की कोशिश की, तो ऐसे लोगों पर सर कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, निश्चित तौर पर जैसा कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ जो है विधि सम्मत जो कार्रवाई के अधिकार पुलिस को है उसके अनुरूप उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, घटना के कारण जब फोर्स को आने में लग गया 50 किलोमीटर की दूरी में, ये आपका अपना आकलन हो सकता है। आप अगर उस पूरे परिस्थिति देखेंगे तो जो थाना आसपास के जो थाने हैं उनका फोर्स 1 घंटे के अंदर ही पहुंच गया था। घटना की जैसे ही सूचना मिली थी तत्काल ही 7 थानों का फोर्स वहां से भेजा गया था। जो स्पेशल फोर्स होता है, जो हमारा जो स्पेशल आर्म्ड फोर्स होता है, उसको हमको डिमांड रखनी पड़ती है। जो डिमांड के बाद हमको मिलता है तब उसको हम बटालियन से प्राप्त करने के बाद रवाना करते हैं। हमारा जो जिले का बल था वो जिले का बल लगभग 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में लगभग 50 आदमी इकट्ठे यहाँ आ चुके थे। जो हमारी कंपनी है वो कंपनी जब आई है 5 बजे पहुंची। सर, 3 मुख्य देखिए, हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑन है। जो कॉन्स्पिरेसी जो आई है उस कॉन्स्पिरेसी में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें कुछ और भी तथ्य सामने आ रहे हैं। शाम तक कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। शाम तक और गिरफ्तारी हो सकती है जी। सर, अपराधी के मकान भी ध्वस्त किए जाएंगे सर? ये भी एक अपना परीक्षण होगा इसका। और अगर उनका क्या है कि अपराधियों में ये हम जब भी किसी मकान और उसकी बात करते हैं तो ये ध्यान में रखा जाता है कि वो संपत्ति इस तरीके से अर्जित की गई हो जो अपराध के कारण उसको संपत्ति मिली हो। ये अगर हम देखते हैं, इसमें अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उस पर भी हम जो भी सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर, घटना के बाद भी चक्का जाम, लोगों को दौड़ाना डराना धमकाना तोड़ फोड़ जैसी घटना, उस पर प्रकरण दर्ज है, उसमें फिर हमने आरोपी चिन्हित किए हैं, कार्रवाई करेंगे। पुलिस की अलग से रहा करती थी जिसे बुला लिया गया है, अब यहाँ पर कोई टुकड़ी नहीं, ऐसे जब भी देखिए हमारे पास जो देखिए अगर आप पूरी परिस्थितियों को देखेंगे तो जो बल जो उपयोग जो हमारे पास होता है हम उसका उचित उपयोग करते हैं। जैसा आपको जानकारी होगा कि उज्जैन जो शहर है, उज्जैन शहर में हमेशा कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन और अवसर ऐसे विशेष अवसर आते रहते हैं। वहाँ हमने रखा है, नियरेस्ट आपके महितपुर में हमने कुछ फोर्स रखा हुआ है। हमारे पास जो भी बल उठा देता है, आप इसको इस तरह से भी देखें कि नागदा एक जो जगह है, नागदा में 2 थाने आसपास है, तो अगर कुल बात की फोर्स की बात करें लगभग 100 आदमी हमारे दोनों थानों को मिलाकर यहाँ मौजूद रहते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट भी है जैसे महितपुर है, महितपुर में सकेला एक थाना है जहाँ हमारे पास 50 आदमी है। तो हम इन सब चीज़ों का परीक्षण करते रहते हैं। जब भी परिस्थितियाँ बदलती हैं, परिस्थितियाँ अगर कुछ ऐसी होती हैं उस अनुरूप हम फोर्स देते हैं। सर, शहर में नशे का कारोबार भी पल फूल रहा है, इस पे अगर आपको ध्यान हो कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, खाचरोद से लेके बड़नगर से लेके यहाँ हुई हैं, उज्जैन शहर में भी काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। राजस्थान से संबंधित एक गैंग को हमने पकड़ा है, यहाँ भी कुछ जो नशे के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, कुछ एक लोग फरार भी चल रहे हैं, कुछ मकान भी तोड़े गए हैं। हम बिल्कुल उसके लिए कटिबद्ध हैं कि कोई भी नशे का व्यापार पले फूले नहीं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ अभी भी चलती रहेंगी। सर, थानों में 100% हमारे पास कॉन्स्टेबलरी कम है, नई भर्ती जैसे आती है जो भी बल आएगा हमारे पास पूरे जिले में ही 30% की कॉन्स्टेबल है। हर बार सर ट्रैफिक को लेकर मुद्दा उठता है, एक ही जवान है पूरे ट्रैफिक। अभी ट्रैफिक के लिए नागदा के लिए शासन स्तर पर कोई स्वीकृत बल नहीं है। सर, नागदा में 100 डायल की पहले भी आपने प्रतिक्रिया दी थी जिसमें अभी तक कोई ध्यान 100 डायल का जब विषय है आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करिए। मेरे ख्याल से जो 5 साल का इनका समय पूर्ण हो चुका है, 5 साल के बाद नई जो इनकी टेंडर प्रोसेस है वो कम्प्लीट होके मुझे लगता है अगले वित्तीय वर्ष में आपको सब कुछ बेहतर मिलेगा। सर, घटना 100% हमारे पास कॉन्स्टेबलरी कम है, नई भर्ती जैसे आती है जो भी बल आएगा हमारे पास पूरे जिले में ही 30% की कॉन्स्टेबल है। हर बार सर ट्रैफिक को लेकर मुद्दा उठता है, एक ही जवान है पूरे ट्रैफिक। अभी ट्रैफिक के लिए नागदा के लिए शासन स्तर पर कोई स्वीकृत बल नहीं है। सर, नागदा में 100 डायल की पहले भी आपने प्रतिक्रिया दी थी जिसमें अभी तक कोई ध्यान 100 डायल का जब विषय है आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करिए। मेरे ख्याल से जो 5 साल का इनका समय पूर्ण हो चुका है, 5 साल के बाद नई जो इनकी टेंडर प्रोसेस है वो कंप्लीट होके मुझे लगता है अगले वित्तीय वर्ष में आपको सब कुछ बेहतर मिलेगा। सर, घटना इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कहाँ से उपलब्ध हुआ था? यस, उसमें काम चल रहा है।
कहाँ से वेपन आया है वो भी हमारी पूछताछ का विषय है, जो ले जाएंगे तो उससे पूरी लिंक कहाँ से वेपन यहाँ इस पूरे शहर में भी अगर कोई आ रहे होंगे तो उस पर भी काम करेंगे। सर, तब तक पुलिस मामला तो तीन आरोपी तो आप लोग की जानकारी में है कि जो मुख्य आरोपी हैं सभी पकड़े जा चुके हैं। अब इसके पीछे बाकी और कोई अगर साथ में रहे हो, किसी की कोई भूमिका रही हो, उसके संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मुख्य आरोपी जो है तीनों के तीनों पुलिस की कस्टडी में आ चुके हैं। सर, नामजद के आरोपी के अलावा भी कोई आरोपी और इसमें संलिप्त हैं क्या? अभी मैंने जैसा आपसे कहा कि हमारा जो मुख्य आरोपी जो पकड़े गए हैं उनसे जो पूछताछ चल रही है उन तथ्यों का हम वेरिफिकेशन करेंगे, उन वेरिफिकेशन के पश्चात ही अगले आरोपी बनेंगे। थैंक यू सर।